नमस्कार भाइयों, सिद्धार्थ मशरूम फार्म में आप सबका स्वागत है। भाइयों भाइयों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमने ये कंपोस्ट परचेज़ करी है, अटर्नल वाली, बंकर वाली, फेस वन फेस टू वाली, और हम आज इसकी स्पॉनिंग कर रहे हैं। ये देखिए, हमारा ये पूरा ट्रक भर के आया है कंपोस्ट, और उसके अंदर हम ये स्पॉनिंग कर रहे हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार हमने कुछ ढेर बनाए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को सीजनल कल्टिवेशन करना है तो आप मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे अपने नंबर्स हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द हम नया बैच स्टार्ट करेंगे और आपको ट्रेनिंग देंगे। दोस्तों, जैसे कि अभी देख रहे हैं, मेरा स्पॉन है जो हमने मंगाया है, ये देखिए इस तरह से क्वालिटी है स्पॉन की, और ये देखिए, ये भी बगल में है, बॉक्स है, ये देखिए। आज हम इसकी स्पॉनिंग करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसे हमने निकाल के और ट्रक से तुरंत बैग्स बना रहे हैं, और ये देखिए बैग्स बना रहे हैं, स्पॉनिंग कर रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं, फैला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कंपोस्ट बड़ी गर्म है, इसको ठंडा करना है, उसके बाद स्पॉनिंग करनी है, तो हम कुछ प्रकार से कर रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए हमारे कुछ बैग्स रूम में आ भी गए। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने रूम में थोड़ा बहुत काम करवाया है, क्योंकि हमने लास्ट अपने जो बैच चलाया था उसके अंदर हमने देखा था कि हमारी दिक्कतें आई थी, और ये देखिए हमने बीच में अब सपोर्ट डाल दिए हैं। हर दो दो ढाई फीट के अंदर हमने डबल डबल सिंगल सपोर्ट डाल दिया है, क्योंकि क्या होता है कि लोड जब ज़्यादा हो जाता है बेड पर तो वो एक डेढ़ महीने बाद आपको दिक्कत करने लगता है, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा सपोर्ट और दे दिया है बेड को, क्योंकि हमने लास्ट बैच में इतना माल डाला भी नहीं था, और इस बार हमने सोचा था कि हम माल को थोड़ा और बढ़ाएंगे और कंपोस्ट बढ़ाएंगे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम इसको और इसकी मजबूती दे सकें, तो हमने हर इसके जोड़ पर देख रहे हैं, ये देखिए हर जोड़ पर हमने ढाई दो दो फीट पर दोबारा से एक सपोर्ट लगा दिया है, डबल में और सिंगल में, तो इससे इसकी मजबूती बनी रहेगी। दोस्तों, ये देखिए हमने ये बैग अभी हमारे रखे जा रहे हैं, मतलब स्पॉनिंग हो रही है, और तुरंत हम रख भी रहे हैं इसके अंदर, रूम के अंदर, क्योंकि जैसे कि टेम्परेचर हमारा जो है वो बना रहे बैग का, कम होता रहे, ज़्यादा ना बढ़े, तो कुछ इस प्रकार से अभी रख दिया। अब ये देखिए हमने पूरा रूम अभी फिल कर दिया है, बट भाई अभी हमने इसमें टॉप स्पॉनिंग नहीं करी है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा कंपोजर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, अब हम नेक्स्ट डे इसकी टॉप स्पॉनिंग करेंगे, और अभी हम आज 24 घंटे इसको एसी चलाएंगे, उसको थोड़ा ठंडा करेंगे, वो भी हम 16 डिग्री पे हमने भी इसको सेट किया है, थोड़ा जैसे कंपोस्ट थोड़ी हमारी ये ठंडी हो जाए, ये देखिए, और इसको हमने पूरा बराबर कर दिया है, अब ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अब हम जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो हम इसके ऊपर टॉस पानी करेंगे कल, ये देखिए कुछ इस प्रकार का, देखिए हमने पूरा बराबर किया है, एक जैसे बराबर, इसको दबा कर प्रेस कर। भाइयों, जल्द ही मैं वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा क्या अभी पिछला जो बैच रहा है उसके अंदर मैंने क्या कमाया है, क्या गवाया है, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, कितना मेरा माल निकला है, मैंने कितनी सेल करी है, उसका टोटल ए टू जेड जो डिटेल है उसकी जस्ट जल्द ही मैं आप वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों। और मेरी कल पलटाई है, पहली पलटाई सीज़न जो हम कंपोज बना रहे हैं उसकी, तो उसकी मैं वीडियो जल्द ही डालूंगा दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।